ए राजू बा, चलो भाई अपना काम करते हैं। अबे बेवकूफ, देखता नहीं है एक भला आदमी नमाज पढ़ रहा है? जा तू अपना काम कर। ए, वो देखो मेरी नाव। ओ तो यहाँ तुम हो, मुझे लगा एक भला आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहा है। चल उठ राम और धोखेबाज। मेरी बोट आ रही है। मालूम है तेरी बोट आ रही है, मेरे पैसे निकाल। अरे देखे 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 देखे, आपको तो पता है ना कि बारिश में जिसकी बोट पहले आती है उसको नीलामी में 1,50,000 रुपया मिलता है। आपको तो पता है ना? क्या? हाँ तो मैं शाम को दे दूंगा ना आपको। अरे तो फिर भी बाकी रहेंगे। आप कमाल करते हैं, जो बोट पहले आई है वो जाएगी भी पहले और कल आएगी भी पहले, तो कल शाम को भी 1,50,000 मिलेंगे। मिलेंगे ना? अब बताइए कुल मिला के कितने हुए? 1.5 और 1.5 3 3 मुझे आपको देने कितने? पौने तीन बच्चे कितने? 25,000 बच्चे हा? मतलब आपको मुझे 25,000 देने बराबर? कब दोगे? क्या 25,000 कब दोगे? दे दूंगा। अरे दे दूंगा का क्या मतलब, कब दोगे? अरे कहा ना दे दूंगा क्या होता है? क्या मेरा पैसा पैसा नहीं है? और मेरी बात टालने की कोशिश मत करना, परसों तक मुझे 25,000 मिल जाना चाहिए। अरे मुझ मुंडवा के खतरे पे बिठा दूंगा। बात करता है दे दूंगा, एक बंगाली बाबू से पाला पड़ा, याद रखना। क्या हुआ? 1.5 3 4 3 25 पर पैसे दिए कहां उसने? हट, खबरदार कोई नाव में पैर मत रखना। जिस किसी को भी नीलामी के लिए बोली लगानी है सब सामने खड़े रहो, और जब मैं रोकना नहीं है तो मुंह मत खोलो। निकल मैं निकल कर तेरी बीवी क्या मेरी बोट में जो चक्कर। निकल निकल तेरी माँ का। एक भी मछली नहीं है? बांडिया बांडिया। हाँ ये जलपरी है? नहीं जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। ये तो लाश है। लाश है? कौन बोलता है लाश है? लाश है। अरे इसका मुंह खोली देखो, सांस चली, सांस ऐसे सांस चल रही। अब मुच्छड़ को क्या बोलूंगा मैं? ये सब मुच्छड़ को बताने क्या जरूरत है? इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो आप अकेले काफी हो। बराबर फंसाया है तूने मुझे। अब जैसे जाल फेंका तो पहले ये फंसा, तो जिंदा था तो मछली छोड़ किसको ले आया? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चुप कर मुंह बंद। अरे भाऊ 15 अगस्त को आपको राष्ट्रपति के हाथों चांद मिलेगा। चांद? तो चांद को मैं चाटू? अरे वो चांद नहीं, स्वर्ण चांद, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल साला, एक तो मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। चल पैर पकड़, पैर पकड़। ये नहीं, लाश के पैर पकड़। अगर ये लाश को मैंने टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया और यही पड़े पड़े मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। अरे बुला 3-4 लोगों को बुला। खड़े खड़े साले मुंह देख रहे तुम लोग? उठो। क्या हुआ? ये दवाइयां लेके आओ फटाफट, जल्दी आओ। हॉस्पिटल में जितनी दवाई है सब आधी आधी चम्मच पिला दो, ठीक हो जाएगा वो। अरे ऑक्सीजन का बाटला भी खत्म हो रहा है, दूसरा चढ़ाना पड़ेगा। पूरा बाटला खत्म हो गया? दांत के किस तरफ दर्द है? इस तरफ। रुकिए मैं बुलाता हूँ। हॉस्पिटल की खिड़की खोल दो, जितना ऑक्सीजन चाहो मिल जाएगा। आप समझते क्यों नहीं? लगा मुझे है और खुद रो रहा है। यहाँ बैठो। बैठिए बैठिए। मालिक सब ठीक है ना? दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, पहले उसको रख के देखो होश में आया कि नहीं। अच्छा अच्छा। किधर? ये क्या कर रहा है?
मालिक, अरे मालिक कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। क्या हुआ? डॉक्टर ने बुलाया है। मुझे नहीं आया। क्यों? अरे इससे दांत निकाले, पता नहीं वो क्या क्या निकालेगा। मुझे नहीं आया। दांत? एक तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, ये दांत बेचारा तकलीफ नहीं दे रहा, साले ने जबरदस्ती उखाड़ लिया। पता नहीं क्या क्या जाएगा यहाँ पे। यार जाएगा नहीं, आएगा। आएगा क्या? आएगा तेरी पतलून का नाड़ा। अब चलो तो आइए आइए आइए। ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है। लखपति? लखपति तेरे जाल में फंसा? अरे लखपति ही जाल में फंसते हैं, आपको भरोसा नहीं है? मालूम है ये क्या है? ये चड्डी है। चड्डी नहीं, चिट्ठी है ये। ये 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 कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। इसमें इसमें लिखा है इस आदमी को किन किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं, पूरा हिसाब लिखा है लाखों में। और जो लोग इसका पैसा नहीं दे पाए होंगे उन्होंने इसको समुद्र में फेंक दिया। देखो इसका थोबड़ा तो देखो, आपके जैसा है नहीं ना, किसी अच्छे घराने के नहीं लगता। मालिक बहुत आसान है, इसकी जान हमने बचाई, उसका कितना मिल सकता है? कम से कम 5 लाख तो मिलेगा ना। किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप को? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बगैर इसके माँ बाप का पता कैसे लगेगा? इडियट। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इससे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। शाबाश। मालिक आ गया। कौन? होश, इसको होश आ गया। देखो आंखें खुल खस रहा है। हट हट हट, तू मरा नहीं है, तू जिंदा है। तुझे जिन जिन लोगों से पैसे लेने ना, सबकी लिस्ट मेरे पास सलामत है। हम साथ में मिलकर वसूली करेंगे। मैं तेरे साथ हूं। बोल बेटे, तेरा घर कहाँ है? कहाँ है तेरे माँ बाप? कहाँ रहते हैं? कहाँ? क्या हम लोग जो बोल रहे हैं वो सुन सकते हो? कैसे सुनेगा, जरूर इसके कान पानी भर गया होगा। कान में पानी भरा है, मुंह में तो नहीं भरा है ना। बोल वो, देख वो। हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे दोस्त है। ये ग्लूकोज की बाटली की कसम, बहुत खर्चा किया है तेरे पीछे। सही बात है। ए, तेरी जान बचाने के बदले में जो हमको 5 लाख मिलने वाला है ना, उसमें से 2 लाख मुझे अभी दे एडवांस। ये फिर से बेहोश हो गया। ए बाबा, ये पूरा पी गया, ये झीका छेक कटोरा पी गया। रख रख, उसको बोल कि उसका माँ बाप किधर है, कौन है, हमारा पैसा कब देगा, उसको बोला कि नहीं? तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया, ये बहरा है। बहरा? पूरी बाबा, ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा 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 जब्बा, मालिक देखो क्या बोला, इसको सपोर्ट चाहिए, ये बहरा के साथ घूमता भी है। तो पैसा है तेरे पास? नहीं। तो और सुख का पैसा क्या तेरे बाप देगा? ऐसा जब्बा जब्बा करता है, दबा दबा के खाता है, ऐसा बेमतलब का सवाल मत पूछ उसको। साला खा खा के सांड जैसा हो गया, बुका पाटा। ए किधर से आया तू, तेरा घर किधर है? अरे इशारे की भाषा में पूछो मालिक। तो तू पूछ उसको, पूछ उसको कि तेरा घर बार का है, पूछ। ठीक है, तेरा घर बार, तेरा घर बार किधर है? और सूप मांग रहा है? सूप नहीं, घर बार। बुड़बक खाने पीने की बात करता रहता है, अब मैं इससे पूछता हूँ। पूछो मालिक। तेरा गांव, कुआ कुआ पानी, तेरा गांव किधर है, किधर है? दोबारा आ रहा है। ये कौन सा गांव है? ये आपसे पूछ रहा है आपका।